तो हेलो भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फैंटेसी लीजेंड अखाड़ा में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसीबी कॉमन्स और एलबे टाइगर्स के बीच खेले जाने वाले आज के दोस्तों एसीएस ड्रेजडन टिटन मैच के बारे में, जो कि दोस्तों ड्रेजडन टिटन का मैच नंबर 31वां खेला जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा, हर एक प्लेयर के बारे में बताऊँगा दोस्तों जिसे आपको अपनी टीम में रखना है, और उस प्लेयर के बारे में बताऊँगा जिसे आपको अपनी टीम में कैप्टन और वाइस कैप्टन करके चलना है दोस्तों। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखो ताकि चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और दोस्तों टेलीग्राम से अभी तक आप लोगों ने नहीं जुड़ा है तो टेलीग्राम से बिल्कुल ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम पे दोस्तों आपको टॉस एंड लाइनअप के अपडेट मिल जाते हैं, साथ ही दोस्तों यहाँ पे कोई भी न्यू प्लेयर खेलेगा तो उसके स्टेट्स मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, और इस मैच की जो फाइनल टीम रहेगी दोस्तों वो भी मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। इस पर थोड़ा बहुत चेंजेस करके अपने अकॉर्डिंग, स्टेट्स के अकॉर्डिंग वीडियो बन रहा है उसके अकॉर्डिंग आप अपने खुद की अच्छी टीम बना सकते हो और अच्छा खासा अमाउंट विन कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट सेक्शन में है टेलीग्राम चैनल का, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल को। तो चलिए दोस्तों बात करें मैच के बारे में। तो मैच नंबर 31वां इस ड्रेजडन टिटन का एसीबी और ईएलटी के बीच खेला जाएगा। 12:45 मैच स्टार्ट होगा और वेन्यू रहेगा दोस्तों ड्रेजडन जर्मनी का। पिच रिपोर्ट की बात करूं तो एक बैलेंस सरफेस देखने को मिलेगा, और इस वेन्यू पे दोस्तों अभी तक 30 मैच खेले गए हैं जिसमें बैटिंग फर्स्ट ने 13 मैच, बैटिंग सेकेंड करने वाली टीम ने 17 मैच विन किया है, और 90 से 120 के बीच में एवरेज स्कोर देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आगे बात करें टीम एसीबी के प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों टीम एसीबी की तरफ से ऋषवंत रविंद्रन है और सतीश कानन कंडासा है, ये दोनों मोस्ट प्रोबेबली आपको ओपनिंग पे बैटिंग करते दिखेंगे। ऋषवंत रविंद्रन का देखो एवरेज तो अच्छा है, और स्टार्टिंग के जो मैच खेला इसमें एक में 28 रन है, एक में 24 रन है, बाकी दोस्तों ये 5 मैचेस के अंदर फ्लॉप रहा है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान देना, हर मैच में आपको पॉइंट्स दे करके नहीं जाएगा, हालांकि विकेट कीपिंग भी कराता है तो वहां से बैकअप पॉइंट आपको कुछ पॉइंट्स विकेट कीपिंग से भी दे करके जा सकता है। तो ऋषवंत रविंद्रन को हमेशा मैं एक सेफ पिक मानता हूं, लेना चाहो तो बिल्कुल टीम में ट्राई करके चल सकते हो। सतीश कानन कंडासा है, एक मैच में 39 वाली इनिंग है, बाकी सभी मैचेस में दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यू 4 मैच नहीं खेला, लेकिन लास्ट के 2 मैच पे 0 पे आउट हुआ था। उतना अच्छा खासा एवरेज नहीं है इसका, 10 का ही एवरेज है। ड्रॉप करना चाहो तो आप ड्रॉप करके भी चल सकते हो, वरना फिर ओपनिंग पे आएगा तो लेकर भी चल सकते हो। अर्जुन नागाथन कंडी हैं, इनका देखो आप 4 मैचेस के अंदर 114 रन है, 9 का एवरेज है, और 2 इनिंग के अंदर 1 विकेट है दोस्तों। और ये जो मैच खेला कल वाला, जिसके दोनों मैच में इसने बॉलिंग किया था 2-2 ओवर का, साथ ही दोस्तों टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने आ रहा है, यहाँ पे 1 विकेट है, यहाँ पे 24 रन प्लस 2 विकेट है, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा इसका, लेकर के चलेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा प्लेयर। उसके बाद दोस्तों अल्फिन थॉमस आएंगे, इनका भी परफॉर्मेंस देखो यहाँ पे 11:40-10-23 नॉट आउट। उसके बाद दोस्तों बहुत सारे मैचेस में ऐसे हैं जिसमें फ्लॉप रहा है, उतना अच्छा खासा एवरेज नहीं है, लेकिन बैटिंग ठीक ठाक कर लेता है ये, जैसे 40 और 23 रन की इनिंग में अच्छा खासा बैटिंग किया था, तो लेना चाहो तो लेकर के चल सकते हो, अच्छा पिक रहेगा ये भी। उसके बाद दोस्तों अखिल सदानंदन है, जिनका T20 के अंदर ठीक ठाक रहा था, 7 मैचेस के अंदर 59 रन है, 14 का एवरेज है, और बॉलिंग से बात करें तो 5 इनिंग के अंदर 3 विकेट है, लेकिन अभी इस सीरीज में अभी तक बॉलिंग नहीं कराया है, बैटिंग से ही पॉइंट दिया है। यहाँ पे देखो 26:45 नॉट आउट, 29 और 12 रन की इनिंग, तो ये 4 इनिंग इसकी ठीक ठाक रही है, बाकी दोस्तों अच्छा खासा बैटिंग कर लेता है अखिल सदानंदन। जेस्टर जो है एक आधा ओवर की बॉलिंग कराएगा इस सीरीज में, हर मैच में है बॉलिंग कराया, ठीक है, बाकी परफॉर्मेंस बॉलिंग से उतना अच्छा खासा नहीं आया, यहीं पे 1 विकेट है, बाकी दोस्तों विकेट लेस ही रहा है, लेकिन ओवरऑल इसका T20 के अंदर 7 मैच में 12 विकेट का रिकॉर्ड है। टीम के तरफ से प्रॉपर इसको मौका नहीं दिया जाता, 2 ओवर का एक आख ओवर देकर ही छोड़ दिया जाता है, अगर इसको कंटिन्यू 2 ओवर दिया जाए तो इसके बॉलिंग में काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगा और विकेट जो इसको मिलेंगे दोस्तों। बाकी ये टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने भी आता है, थोड़ा बहुत बैटिंग भी कर सकता है। विष्णु विश्वम्बरन है, ये भी 1-2 ओवर की बॉलिंग ही कराता है, यहाँ पर 2 विकेट है, यहाँ पर 1 विकेट है, जीएल में सबसे ज़्यादा प्रीफर करना, बाकी स्मॉलिंग में ड्रॉप करके चल सकते हो। जीबी जेकोब हैं, और ये 2 ओवर की बॉलिंग करा सकता है दोस्तों, हालांकि ये 2 मैच में बॉलिंग नहीं कराया था, लेकिन फिर उसके बाद कंटिन्यू बॉलिंग करा है, यहाँ पे 2 विकेट है, यहाँ पे 1 विकेट है, यहाँ पे 1 विकेट है, तो टोटल अभी तक 4 विकेट इसके नाम है और 5 मैचेस ही अभी तक खेला हुआ है दोस्तों, ठीक है, लेकर के चल सकते हो जीबी जैकब को। जूनो वर्गीज हैं, इनके टीम का कैप्टनसी कर रहे हैं, अभी 2 ओवर की बॉलिंग बिल्कुल कराता हुआ दिखेगा आपको,
और ये स्टार्टिंग के ओवर में बॉलिंग कराता है मोस्टली दोस्तों, इस चीज़ को आप लोग ध्यान देना। अगर सामने की टीम अच्छी है और विकेट गिरने के चांसेस कम रहेंगे तो इसको ड्रॉप करके भी चल सकते हो। उसके बाद दोस्तों एंटोनियो पोलुस हैं, ड्रॉप करके चलूँगा मैं इनको, लेकिन टीम कभी भी इनको मौका दे देता है। देखो यहाँ पे बॉलिंग मिला एक विकेट, यहाँ पे बॉलिंग मिला दो विकेट, यहाँ पे ले लिए, तो टीम की तरफ से इसको कभी भी मौका मिल सकता है। तो जीएल के अंदर बिल्कुल इस प्लेयर को प्रीफर करके चलना, बाकी स्मॉल लीग में ड्रॉप करके चल सकते हो। जीनू पानीकर हैं, ये डी नॉट बैट रहते हैं तो इनको मैं ड्रॉप करके चलूँगा, उतना अच्छा खासा रिकॉर्ड इसका नहीं है दोस्तों। अभी के लिए आप अपनी टीम की तरफ से लेकर के चलना ऋषवंत रविंद्रन को और अर्जुन नागथंगांडी, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेंगे। और यहाँ से दोस्तों अखिल सदानंदन है एक अच्छा ऑप्शन, जिस्टो जोए को लेकर के चल सकते हो। नीचे से पिक करना चाहो तो देखो जूनो वर्गीज हैं, जेकोब आपके लिए रहेगा, ले सकते हो, आपकी मर्जी रहेगी। बाकी दोस्तों अभी के लिए मैं ये चार प्लेयर को ही प्रेफरेंस दे रहा हूँ। बाकी दोस्तों इनके बेंच के प्लेयर में देख लो, जैसे कि रोहित उन्निथन है, खेलेगा तो इम्पॉर्टेंट रहेगा। मनु थॉमस, स्मिथ जेम्स हैं, ये प्लेयर्स अगर खेले हैं तो इम्पॉर्टेंट रहेगी। इन सभी प्लेयर्स के रिकॉर्ड एक बार आप लोग देख लो, बेंच के सभी प्लेयर्स के रिकॉर्ड। बात करें स्टार्टिंग के ओवर की तो जिस्टो जॉय हैं, जूनो वर्गीज हैं, विष्णु विश्वम्भरन है। डेथ के ओवर्स में दोस्तों जूनो वर्गीज हैं और बात करें दोस्तों यहाँ पर टीम ईएलटी के प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में, तो दोस्तों टीम ईएलटी की तरफ से ओपन करते दिखेंगे आपको मुनीर रेड्डी सिंघाना, और उनके साथ दोस्तों लास्ट मैच में ओपन किए थे डी गुणशेखर। बाकी डी गुणशेखर हर मैच में ओपन नहीं करेगा, इस चीज़ को आप लोग ध्यान देना, ठीक है। कभी कभी ये कर लेते हैं, टीम थोड़ा एक्सपेरिमेंट करती है तो किसी को भी ओपन साथ में ले आती है। बाकी मुनीर रेड्डी सिंघाना ओपन करेगा, खेलेगा तो दो ओवर की बॉलिंग फिक्स करेगा। कैप्टन वाइस कैप्टन का प्रबल दावेदार है, बिल्कुल टीम में लेकर के चलेंगे दोस्तों। अच्छा प्लेयर है, बॉलिंग बैटिंग दोनों में अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे करके जाता है। डी गुणशेखर एक आठ ओवर की बॉलिंग इसको मिल जाता है टीम की तरफ से। बाकी दोस्तों T20 के 11 मैचेस में 9 विकेट का रिकॉर्ड है, इसका भी एक अच्छा खासा रिकॉर्ड है, लेकिन टीम की तरफ से इसको उतना ज़्यादा मौका नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे एक विकेट है, उसके बाद दोस्तों परफॉर्मेंस नहीं रहा इसका। बाकी जीएल के अंदर मैं पिक करके चलूँगा इसको, इंपॉर्टेंट रहेगा जीएल वाले टीम में। उसके बाद दोस्तों डेनियल इसरार हैं, ये भी दो ओवर की बॉलिंग फिक्स करता हुआ दिखेगा, साथ ही दोस्तों टॉप ऑर्डर बैटिंग तो बिल्कुल लेकर के चलेंगे। इस सीरीज़ में इसका भी परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही रहा है, आप यहाँ से देख सकते हो दोस्तों, बैटिंग से या बॉलिंग किसी से आपको पॉइंट दे करके जाएगा। सो अपनील बने भी एक अच्छा ऑप्शन है, जो कि दो ओवर की बॉलिंग साथ ही टॉप ऑर्डर में बैटिंग करेगा, बिल्कुल टीम में लेकर के चलेंगे। इस सीरीज़ में इसका भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है दोस्तों, तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान दे करके चलो, इम्पॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद दोस्तों फखरुल इस्लाम है, ये भी एक से दो ओवर की बॉलिंग बिल्कुल करता दिखेगा, हार्ड हिटर प्लेयर है, साथ ही दोस्तों बैटिंग भी अच्छा, बॉलिंग भी अच्छा कर लेता है। यहाँ पे एक विकेट, यहाँ पे दो विकेट, यहाँ पे एक विकेट, तो विकेट जिसको ठीक ठाक मिल जाते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आएंगे मुर्तजा हसन, ये अच्छा प्लेयर लगा, बैटिंग इसका ठीक ठाक है, एक मैच 14 रन 14 का एवरेज, और बहुत ज़्यादा ये ना संभल के खेलता है। यहाँ पे 16 नॉट आउट देखो, यहाँ 10, यहाँ पे 43 नॉट आउट, यहाँ पे 23 नॉट आउट, तो 3 बार नॉट आउट इनिंग खेला हुआ है, बिल्कुल टीम में ट्राई करके चल सकते हो। तो मुझे लगता है मुर्तजा हसन को ही ओपन भेजना चाहिए किसी के साथ। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आएंगे तमलजीत डे, इनको ड्रॉप करके चलूँगा, और यहाँ के नीचे के चारों प्लेयर जो हैं उतने इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, तो इनको बोलना, इनको इनके रखना भी टीम में इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। अभी के लिए ईएलटी की टीम की तरफ से मुनीर रेड्डी सिंघाना है, डी गुणशेखर हैं, डेनियल इसरार हैं, स्वप्लिन बने हैं, फखरुल इस्लाम हैं, और दोस्तों मुर्तजा हसन, यही प्लेयर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी दोस्तों इनके बेंच के प्लेयर में से देख लो, हुसैन मुबारक अगर खेलेगा तो मस्ट हैव पिक रहेगा, दो ओवर की बॉलिंग करेगा, साथ ही दोस्तों बैटिंग से भी पॉइंट दे करके जाएगा। इन सभी प्लेयर्स के रिकॉर्ड आप लोग एक बार रीड कर लो। बात करें स्टार्टिंग के ओवर की तो मुनीर रेड्डी सिंघाना है और स्वप्निल बने हैं दोस्तों, जो कि स्टार्टिंग के ओवर में बॉलिंग करते दिखेंगे। डेथ ओवर्स में दोस्तों स्वप्निल बने हैं, डेनियल इसरार हैं, आपको बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे। तो दोस्तों ये तो हो गया प्लेयर के स्टेट्स के बारे में, बात करें एक डेमो टीम की तो दोस्तों यहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन से आपको दिखेंगे टी दे और उनके साथ दोस्तों रविंद्रन, जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे, रविंद्रन को लेकर के चलेंगे, टी दे को मैं अभी प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि रविंद्रन आपको विकेट कीपिंग के साथ बैटिंग भी दे करके जाएगा। उसके बाद मैं बैटिंग सेक्शन में आऊँ तो बैटिंग सेक्शन से नागथंगांडी इंपॉर्टेंट रहेगा और डेनियल इसरार, तो ये दो प्लेयर्स तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। मुर्तजा हसन को लेना चाहो तो इनको भी लेकर के चलना, इनकी भी बैटिंग ठीक ठाक है दोस्तों। अभी के लिए मैं आ जाता हूँ ऑलराउंडर सेक्शन में, तो मुनीर रेड्डी सिंघाना यहाँ से इंपॉर्टेंट है और फखरुल इस्लाम है। बाकी दोस्तों यहाँ से हुसैन मुबारक खेले तो बिल्कुल मेरी टीम में रहेगा।
एम थोमस अगर खेलेगा तो बिल्कुल ध्यान देना इस प्लेयर को, अच्छा प्लेयर है ये भी, ठीक है। और यहाँ से दोस्तों स्वप्निल बने हैं, इनको लेकर के चलूँगा, सदानंदन को अपनी टीम में लेकर के जा रहा हूँ दोस्तों। बाकी के प्लेयर उतने मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगे, एस जेम्स है खेलेगा तो इसको लेकर के चलेंगे, बाकी दोस्तों खेलने के कम चांसेस लग रहे हैं, लेकिन अभी के लिए दोस्तों इसको टीम में लेकर के चलते हैं। बॉलिंग सेक्शन में आ जाएँ तो बॉलिंग सेक्शन में देखो उतने अच्छे ऑप्शन नहीं है, वर्गीस है एक अच्छा ऑप्शन, इनको लेकर के चलूँ, जेकोब आपकी मर्जी रहेगी, लेकिन इसकी बॉलिंग उतनी खास नहीं है, बहुत ज़्यादा रन खाता है ये प्लेयर भी, ठीक है, तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। बाकी दोस्तों यहाँ से जिस्टो जो है एक अच्छे ऑप्शन मुझे लगते हैं, तो बिल्कुल लेकर के जाऊँगा। अब यहाँ से आ जाता हूँ मनु थॉमस के खेलने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, तो दोस्तों मैं इनको पिक करने का सोच रहा हूँ, मनु थॉमस या फिर दोस्तों यहाँ से मुर्तजा हसन। तो ये देखिए ये मेरी डेमो टीम है इस मैच की, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों मैं कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करूँ तो आपके लिए सबसे अच्छे ऑप्शन रहेंगे मुनीरुद्दीन सिंघाना, हुसैन मुबारक खेलेंगे तो, डेनियल इसरार हैं, स्वप्निल बने हैं, और यहाँ पे दोस्तों एस जेम्स हैं, और यहाँ पे दोस्तों ए नागा थकांडी इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों। तो इन्हीं में से ग्रैंड लीग के अंदर कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेट करना, बाकी जो स्मॉल लीग की टीम रहेगी फाइनल टीम वो मैं दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।